Hello everyone! Welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about important topic in the developmental biology, and especially in the animals, that is cell potency. So every cell have a potency to differentiate into the other cell types. Basically, the cell is a product of cell division. According to the modification of the cell theory or the theory of the Rudolph Virchow, the cells uh, originate from the pre-existing cell.

डिवाइड होकर परमानेंट होकर या डिफरेंशिएट होकर अपना फंक्शन अटेन कर लेते हैं सो द डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज व्हाट दैट वन एवर एन अनडिवाइडिंग सेल विच इज बेसिकली कॉल्ड द स्टेम सेल इन एनिमल्स एंड मोर कॉमनली कॉल्ड कॉमनलीरिस्टोटिक सेल्स इन प्लांट्स तो जब भी कोई स्टेम सेल डिवाइड करने के बाद परमानेंट हो जाती है तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन यानी वो डिफरेंशिएट हो जाती है आफ्टर डिफरेंशिएशन इट विल अटेन इट्स परमानेंट फंक्शन

ट हो, तो हो, हो सकती है तो इसकी पोटेंसी हाइयर है मोर द टाइप ऑफ अ सेल कैन डिफ्रेंशिएट एक सिंगल सेल जितने टाइप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकती है उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंसी होती है वेरी सिंपली इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ सेल टू इनटू द अदर टाइप्स ऑफ द सेल एंडियन मीन दैट परमानेंट फंक्शनिंग ऑफ सेल ऐसा भी होता है कि अनडिफ्रेंशियड सेल डिवाइड करके सेल्स भी बनाए एक सर्टेन लिमिट तक या जहां तक भी जरूरत है तो ऐसा नहीं है किल्स या सेल की जो पोटेंसी है वो केवल डिफरेंशिएट होना ही है स्टेम सेल्स डिवाइड करके या मैनिस्टेटिक सेल्स डिवाइड करके ऑलवेज खुद की कॉपी भी रिजर्व रख सकते हैं साथ ही साथ

These two cells may be a product of single cell. So earlier stem, or earliest stem cell, which is in any animal, is zygote. Zygote, which is the product of fertilization, this zygote is a stem cell. Earliest stem cell. It starts dividing. It will uh, the, the process will be called embryogenesis. There are various stages like morula, blastocyte okay, and gastrulation. So during the embryogenesis, the zygote, the single cell stem cell zygote. डिवाइड टू फॉर्म दस अदर सेल्स तो सेल लीनियज सेल कौन सी जो बहुत सारी सेल्स टिश्यूज के ऑर्गन के वो किस सेल से बने अल्टीमेटली है तो सेलियज में अर्लिए अलावाट जब वन से टू से टू से फोर बनते हैं तो ये सारे स्टेम सेल अब अलग अलग लेवल पर स्टेम सेल्स की पोटेंसी अलग अलग है ओके क्योंकि जितना ज्यादा डिफ्रेंशिएशन होता जाएगा मान लीजिए दोनों स्टेम सेल फिर इनसे भी जो दो बने वो भी मान लीजिए स्टेम सेल्स उनसे बने वो भी स्टेम सेल बट एक लिमिट आएगा जब स्टेम सेल्स होकर या अपनी पोटेंसी के अकॉर्डिंग चीजों को बनाना स्टार्ट कर देंगे तो जितना हाइयर लेवल पर जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही कम स्टेम सेल्स हमें मिलेंगे इसीलिए एम्ब्रियो स्टेज में परसेंटेज जो होता है स्टेम सेल्स का ज्यादा होता है जबकि जो मैच्योर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें परसेंटेज कम है स्टेम सेल्स का बट दोनों में पाए जाते हैं बोथ इन द एम्ब्रियोनिक एज वेल एज स्टेम सेल्स आर फाउंड ऑल मोर इन द द एम्ब्रियोनिक एज टू मैच्योर तो एम्ब्रियो के अंदर तो एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पाए जाएंगे मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर जहां पर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं उन पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं निश एज लाइक द इकोलॉजिकल निश ये निश भी एक माइक्रो एनवायरमेंट है जहां पर रिजर्व स्टेम सेल्स हैं या स्टेम सेल्स हैं ठीक है तो ये जो निश होते हैं या ये जो माइक्रो एनवायरमेंट होते हैं ये बेसिकली या तो होते हैं क्योंकि मैरो में ही स्टेम सेल्स मिलती हैं, मैच्योर होने के बाद कैन सी uh, तो निश जो होते हैं वो या तो बॉन मैरो हाइयर ऑर्गेजम्स के अंदर स्टेम सेल्स यहीं पाए जा सकते हैं स्टेम सेल के जैसा एक वर्ड आता है प्रोजिनेटर सेल प्रोजिनेटर सेल जो है, cell. Cell जो होती है, वो होती है. यानी पोटेंसी के वर्ड में कहते तो एक तरह से फिक्स होता है पोटेंसी फिक्स होती है कि उसे दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल बनानी कोई भी जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है वही बनानी है जबकि स्टेम सेल्स की स्पेसिफिसिटी लेस है स्टेम सेल मान लीजिए जैसे है, तो वो तो सब कुछ बना सकता है तो उसकी पोटेंसी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है एज कम्पेयर टू प्रोजीनेटर सेल तो प्रोजीनेटर सेल एक स्मॉलर यूनिट है स्टेम सेल का ही मोर स्पेसिफिक फॉर्म है और इसकी टारगेट सेल फिक्स होती है कि इन्हें क्या बनाना तो चलिए पोटेंसी के डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करते हैं जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उतनी ही कम पोटेंसी होगी जितना ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो पाएगी कोई भी सेल मोर टाइप्स उतना ही ब्रॉड पोटेंसी होगा उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटी है अल्टीमेटली कैपेसिटी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टाइप ऑफ सेल कितने में वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है कोई भी स्टेम सेल सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ दी पोटेंसी सो सेल पोटेंसी यानी किसी भी सेल का डिफ्रेंशिएट होना वैरियस टाइप ऑफ सेल्स में डेट इस डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस कोई भी स्टेम सेल टोटली पोटेंट हो सकती है यानी पोटेंसी सबसे ज्यादा हाईएर है टोटल पोटेंसी इट मींस एनी ऑफ द स्टेम सेल और अंडीफरेंशिएटेड सेल आई एम अगेन सेइंग अगेन एंड अगेन सेइंग स्टेम सेल्स बिकॉज़ वे आर टॉकिंग अबाउट �

एनी ऑर्गन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो एम्ब्रियो में जितने भी चीजें हैं चाहे प्लेसेंटा हो ठीक है चाहे एम्ब्रियनिक लेयर्स हो जो आगे जाकर ऑर्गन बनाने वाली हैं जैसे तीन लेयर्स होते हैं बेटे एक्टो एंडो, एंड एक्टोडर्म ले गेस्ट्रोलेशन के बाद बनते हैं ये लेक्टोडर्म लेती है वो एपिडर्मल पार्ट बनाती है नर्वस सिस्टम बनाती है मीजो जो होते हैं वो मसल्स बनाते हैं बॉन बनाते हैं ब्लड बनाते हैं

अल्टीमेटली right uh, kind of so uh, तो सब कुछ बनेगा चाहे वो एम्ब्रियो हो या आगे आने वाले सभी ऑर्गन या पार्ट हो या पूरा ऑर्गेनिज्म मॉर्यूला तो तक डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नेक्स्ट वीडियोस में आपको में वीडियोस में मैं पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कौन से स्टेजेस आते हैं तो मोरुला स्टेज तक सारे सेल्स टोटिपोटेंट ही होते हैं उसके बाद ब्लास्टोसाइट सिस्ट जो आता है उसके अंदर जो है अलग-अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है तो वहां फिर जाकर हम देखेंगे कि प्लुरिपोटेंसी है सो अप टू इन द एंड इवन अप टू द मोरुला स्टेज द सेल्स आर टोटिपोटेंट एंड ऑल ऑफ द प्लांट सेल्स अनदर एग्जांपल आर द प्लांट सेल्स देयर इज एन इनक्रेडिबल फिनोमेना इन द प्लांट्स दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी

ट ए सिंगल सेल कैन बी डिफेंशिएटेड इन टू एनी काफ दर्गनिजम सेल चाहे कोई भी ऑर्गन हो चाहे टिश्यू हो इन द्वोट एंड अपू मोरूल सो एज है टोटिपोटेंसी में क्या है किसी भी सेल टाइप में बन सकता है यानी मैक्सिमम प्रॉबिलिटीज हैं तो जितने ज्यादा सेल टाइप होंगे उतनी हाइयर होगी अब जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंसी लोअर होती जाएगी एज कंपेयर टू द टोटी पोटेंट लेस स्पेसिफिक होता है ऑल्दो एक ही एक्सेप्शन है यानी लगभग टोटी पोटेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है बट कम स्पेसिफिक है टोटी पोटेंसी है पोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं विच कैन डिफरेंशिएट इन टू एनी काइंड ऑफ द सेल एक्सेप्ट होती है, जो बनाती है. तो एम्ब्रियो के सभी बनाए जा सकते हैं वो सारी स्टेम सेल्स विच कैन फॉर्म ऑल द अपकमिंग ऑर्गन एक ऑर्गेनिजम के सारे पार्ट जो बनने वाले हैं गेस्ट्रोलेशन के बाद ठीक है वो सभी को फॉर्म कर सकती है सेल्स बट प्लेसेंटा को फॉर्म नहीं कर सकती तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट इस तरह से और यहां अंदर सेल्स का मास होता है इन्हें कहते हैं इनर सेल मास या हम इन्हें कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट ये स्टेज है मॉर्यूला के बाद आती है तो ट्रोफोब्लास्ट जो है ट्रोफोब्लास्ट लेयर को नहीं बना सकते ये ठीक है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बाकी सारे पार्ट्स को बनाने वाले हैं, केवल प्लेसेंटा को क्योंकि मतलब नहीं है। एक जो है ना ब्लैक स्पॉट लग गया इस पर कि प्लेसेंटा नहीं बना पाएगा अदरवाइज ये भी टोटीपोटेंट होता तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो सब कुछ बना सकती है सिवाय प्लेसेंटा के वो प्लूरी पोटेंट कहलाती हैं जबकि जो हमारा प्लेसेंटा बन रहा है यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट है अल्टीमेटली मॉर्यूला में तो वो के ही स्टेम सेल्स थे तो उस टाइम पर मॉर्यूला तक सारे सेल्स थे लेकिन उसके बाद अलग अलग हो गया अब प्लेसेंटा अलग टाइप ऑफ सेल से बनेगा दैट इज ट्रोफोब्लास्ट ना कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तो से क्योंकि प्लेसेंटा नहीं बना सकते इसलिए हम उनको क्या कहेंगे क्लोरीपोटेंट कहेंगे सो दिस इज एन दिसल ऑफ दी क्लोरिपोटेंट सेल्स तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड के गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद ओके okay. उसके बाद ये तीन लेयर्स बनाते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताए थे आपको एक्टो एंडो और मीजो तो ये जर्म लेयर्स हैं जो अलग अलग लेर्गन को फॉर्म करेंगे तो ये जो जर्म लेयर्स के अंदर स्टेम सेल्स हैं वो भी प्लूरीपोटेंट है या वो मल्टीपोटेंट भी हो सकते हैं सो इट इज लेस स्पेसिफिक टू दी सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपोटेंट तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेरिएशन कम हो रहा है तो पोटेंशियल भी लोअर होगी मोर लेफिक्लूरिपोटेंट ये और भी कम स्पेसिफिक है यानी अगर प्लूरिपोटेंट सेल मान लीजिए टेन टाइप्स ऑफ सेल बना सकती थी तो यहाँ फाइव टाइप ऑफ सेल्स में ही डिफ्रेंशियन हो पाएगा लेकिन फिक्स नहीं है एक ही सिंगल नहीं इसलिए यूनिपोटेंट हम इसको नहीं बोलते तो मल्टीपोटेंट का एक सीधा सा मतलब है कि एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिफ्रेंशिएट इन टू सेवरल टाइप ऑफ सेल मानव बॉडी के अंदर थर्टी टाइप ऑफ सेल है डिफ्रेंसिएफ सेट टू हंड्रेड के टू 200 हंड्रेड बना सकता था मल्टीपोटेंट हो सकता है जो फिफ्टी टाइप बनाते हैं अदर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है जो अदर फिफ्टी बनाते हैं है, है, तो एक से तो ज्यादा ही है चाहे दो हो चाहे दस हो चाहे पचास हो एक होगा तब हम यूनिपोटेंट कहेंगे तो कोई भी सेल जो एक से ज्यादा चाहे दो टाइप के सेल बना पाए कोई सेल जो चाहे तीन टाइप के सेल बना पाए पाएट होकर और कोई सेल जो चाहे 198 टाइप ऑफ सेल्स बना पाए सभी को हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहेंगे ओके बीइंग एन एक्सेप्शनल और लेस स्पेसिफिक एज कंपेयर टू द्लूरीपोटेंट तो टोटिपोटेंट में सारा बन सकता था प्लोरीपोटेंट में प्लेसेंटा नहीं बन सकता था मल्टीपोटेंट जो होते हैं उनका कमिटमेंट लिमिटेड है वो कुछ ही सेल्स के लिए बाध्य है कि वो उनको बना पाएंगे तो जो ब्लड सेल्स सॉरी जो स्टेम सेल्स होते हैं पर्टिकुलरली, डेवलप इनटू अ लिमिटेड जनरली कभी कभी पोटेंसी वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं तो मल्टीपोटेंसी या ओलिगोपोटेंसी इज द सेम थिंग एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जैसे कि ब्लड स्टेम सेल्स जो होते हैं अब ब्लड स्टेम सेल सब कुछ तो नहीं बना सकते लेकिन कोई एक चीज भी नहीं बनाते स्पेसिफिकली तो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग जैसे लिम्फोसाइट्स ब्लड स्टेम सेल्स ही बनाते हैं ठीक है मोनोसाइट्स भी बनाते हैं न्यूट्रोफिल्स भी बनाते हैं बट नर्वस सिस्टम फॉर्म नहीं कर रहे इसका मतलब लिमिटेड हो गए ब्लड स्टेम सेल्स के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप हो गए कि उन्हें ब्लड स्टेम सेल्स से ही ब्लड के जो टाइप है डिफरेंट उनको फॉर्म करना है एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो होती यहां लिख देता हूं स्टेम सेल्स जो कि बॉन कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यूज बनाती हैं, वो भी मल्टीपोटेंसी का एग्जाम्पल है तो बेसिकली लेस स्पेसिफिक हो गए प्लेसेंटा नहीं बनता था मल्टीपोटेंसी में बहुत सी चीजें नहीं बनती या कहें कि बस लिमिटेड चीजें ही बनती हैं बट वो एक नहीं है दो या दो से ज्यादा है और course, जब कोई एक cell, उसका या उसकी कमिटमेंट एकदम फिक्स है क्या कि वो किसी एक टाइप ऑफ सेल को फॉर्म करेगी तो वो कहलाती है यूनिपोर्टेंट ओके यूनिपोर्टेंट सेल्स जो होती है वो रेयर है में बहुत कम पाई जाती है

जो है ट्रांसफॉर्म होना है तो मैंने बताया ऑलरेडी रेयर अक्रेंस है कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिपोटेंसी एग्जिस्ट भी नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऑफ सेल ही एग्जिस्ट करता है ठीक है मान लीजिए एक सेल बना भी है तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स है या इसके जैसे और भी सेल्स बने तो यहां पर एक, एक एग्जाम्पल बताता हूं जो स्किन के सेल्स होते हैं स्किन सेल्स को यूनिपोटेंट माना जाता है ठीक है इसीलिए जो बर्न पेशेंट होते हैं जिनकी स्किन जल गई होती है तो जले हुए पार्ट पर कहीं और से स्किन सेल उठाते हैं हेल्दी स्किन को और वहां प्लेस कराकर सेल डिवीजन के के प्रॉपर्टी थ्रू नई सेल को ग्रो कराया जाता है नई स्किन को तो माना गया है कि जो स्किन की सेल है ना वो स्किन ही बनाएंगी और ऑफकोर्स ऐसा है भी एविडेंस है कि जली हुई स्किन पर हेल्दी स्किन को प्लेस करके वहां पर स्किन को ठीक कर लिया जाता है तो यूनिपोटेंट सेल्स का एक एग्जाम्पल है स्किन स्टेम सेल्स सो आर फोर टाइप्स ऑफ द सेल पोटेंसी सेलिपोटेंट प्लोटेंट Multipotent and the unipotent, which are very, very important in various exams of the life sciences. So, thank you very much. Have a good time. If you genuinely or really like this video, you can subscribe the channel that is Botany for All and you can share with your friends also. So, have a good time.